पिंपल्स हम एक्ने या मुहांसे कहते हैं, ये जनरली टीन एज में ज्यादा आते हैं और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि न्योनेटल एक्ने या एडल्ट एक्ने, ये भी दो प्रकार है, लेकिन सामान्यतः पिंपल्स टीन एज में ज्यादा होते हैं। अपने शरीर में टीन एज में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से अपने चेहरे पर कुछ सेबेशियस ग्लैंड एक्टिव हो जाती है और वो चेहरे पर तेल छोड़ने लगती है। इस सेबेशियस ग्लैंड एक्टिव होने से जब चेहरे पर तेल आता है और इस चेहरे को बराबर क्लीन न किया जाए, इस चेहरे को दिन में 4-5 बार न धोया जाए, तो ये ऑयल का कन्वर्शन टू ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स में हो जाता है, जिन्हें हम पिंपल्स कहते हैं। इस चेहरे के अलावा पीठ पे, छाती पे, कंधों पे भी सेबेशियस ग्लैंड का प्रमाण ज्यादा होता है और हार्मोनल एज में आने के बाद हार्मोनल सिक्रीशंस की वजह से सीबम सिक्रीशन होता है और ये सीबम सिक्रीशन पिंपल्स को तैयार करता है। पिंपल्स को सिर्फ मेंटेन करने के लिए या पिंपल्स न आए, इसमें दिन में 4-5 बार अपन चेहरा भी धो लेते हैं तो पिंपल्स आने को टाल सकते हैं। धन्यवाद।